ऑफ कोर्स ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल ईयर है क्योंकि दो फिल्में आई हैं मेरी और दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया, दोनों को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला. सो आई रियली होप दैट यू नो वी विन अ फ्यू अवार्ड्स दिस ईयर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर सच अमेजिंग फिल्म्स दैट आर पार्ट ऑफ द बुके एंड बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंसेज होने वाले हैं. आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड. जी आई एम होस्टिंग टुडे, सो इट्स माई फर्स्ट टाइम डूइंग इट एंड आई एम वेरी नर्वस. फटाफट रेड कार्पेट ख़त्म करके आई एम गोना गो एंड डू दिस. सो मे बी टुडे. जी ये तो मुझे सारी डिटेल्स मैं ना ही दूँ, पता नहीं दे सकती या नहीं दे सकती हूँ. कहाँ गए कोई, हाँ ना कुछ कह ही नहीं रहा है, सब देख रहे हैं मेरी तरफ. बट आएंगे जैसे जैसे जो होस्ट कर रहा है, आई एम श्योर वो बोलते जाएंगे. कैसे आप? आई थिंक आई एम वेयरिंग अ मनीष मल्होत्रा, आई एम वेयरिंग अ मनीष मल्होत्रा एनसेम. एंड क्योंकि मेरी पहली होस्टिंग गिग है, आई थिंक मनीष जस्ट ग्रोइंग अप सिम्बलाइज बॉलीवुड फॉर मी. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. ये मेरा स्वैग है आज. Thank you so much. I don't know what to say. I guess I have a amazing stylist Aastha, who's role. जी जी ये रही, उनको बुलाएं हम फ्रेम में. Aastha आप आना चाहेंगी? Do a little wave and go. Do a little wave. अभी तक नॉमिनीज पता नहीं है हम लोग को, बट हम लोग को इन्विटेशन मिला है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्विटेशन मिला है तो मतलब नॉमिनेशन होगा कुछ ना कुछ. मुझे बहुत उम्मीद है कि राजकुमार को कुछ मिल जाए बरेली की बर्फी के लिए, और नितेश और शरी को, श्रेयस जैन जो है, जो राइटर्स है बरेली की बर्फी के, उनको एटलीस्ट डायलॉग्स के लिए तो थोड़ा आई थिंक नॉमिनेट तो होना चाहिए, बिकॉज ऐसा मुझे लगता है. पर हाँ अच्छा लग रहा है, साल का पहला अवार्ड फंक्शन है ये, और देखते क्या होता है आगे. बिल्कुल, काम अगर करेंगे तो ऐसे स्वर मिलने की उम्मीद रहती है. मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा सवाल है इन अवार्ड्स को लेके, मैं दो तरह की फीलिंग्स है मेरे मन में. एक तो दंगल भी है, क्योंकि पिछले साल दंगल दिसंबर में रिलीज़ हुई थी तो वो इस अवार्ड का हिस्सा नहीं हो पाई थी. तो दंगल को लेकर एक काफ़ी रिलैक्सी फीलिंग है, क्योंकि दंगल मतलब थोड़ी अवार्ड फंक्शंस में अच्छा कर चुकी है. बरेली की बर्फी को लेकर एक उत्सुकता है, बरेली की बर्फी को लेकर उत्सुकता है, बरेली की बर्फी के लिए उत्सुकता है. देखिए बरेली की बर्फी के लिए कंपटीशन है. ओह माय गॉड, आज कंपटीशन है. तो मुझे जहां तक मुझे घर पे लड़ाई नहीं होगी, जिसको मिले लड़कियां होती है ऐसी, क्या करें. No, but I genuinely feel that both of them really deserve it, and they're one of the most talented directors that we have. Oh, and I love them both. Thank you. So I'm happy whoever wins. Barfi, क्या भी barfi से बहुत कुछ ज़्यादा मिल सकता है. जाओ अच्छा photo ना तुम्हारा. Sorry. Carry on. तू अच्छा करें या एडवर्टाइजिंग में कोई फिल्म करें, मुझे भी काफ़ी सुनने को मिला है कि प्रोमोस काफ़ी पसंद किए गए हैं. जी मैंने जो प्रोमोस किए उनमें श्री शाहरुख खान जी नहीं हैं, उन्होंने जो ऑन एयर प्रोग्रामिंग टीम के साथ जो किया उसमें शाहरुख खान जी हैं. मेरे प्रोमोस सिंपल कट एंड रेजर थे कि क्या कॉन्सेप्ट है टेड टॉक्स के पीछे, और वो सिंपल ह्यूमन स्टोरीज थी कि किस तरह हमारे देश में ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ को एनकरेज करना चाहिए, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उनको सुना जाना चाहिए. तो थैंक यू. आप लोग भी बोर हो गए मेरे से बात करके भी. ओके, आई विल सी यू गाइस. थैंक यू.